वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब यहाँ पर प्रीता घर के अंदर आ चुकी है। राजवीर उसे मना करने वाला है कि वो लूथरा हाउस में ना टिके, लेकिन प्रीता यहाँ पर अब लूथरा हाउस में रहकर ही पूरी तरह से करने वाली है एक सबसे बड़ा खुलासा। और वो खुलासा कौन सा होगा? क्या यहाँ पर निधि का राज खुल जाएगा? क्या प्रीता को सब कुछ याद आ जाएगा? और वहीं दूसरी तरफ प्रीता को घर के अंदर रखने के लिए अब यहाँ पर करण अपनी माँ से ही लड़ने वाला है। और उसके साथ साथ आने वाले एपिसोड में एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा जिसे देखकर आप सब चौंकने वाले हैं। सारी बातें हम आपको बताते हैं। और क्या होगा राजवीर का जब यहाँ पर राजवीर एक और नया कदम उठाएगा जिसमें वो अब अपने पिता को ही यानी करण को एक बार फिर से मात देने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या करण इस बार भांडा फोड़ देगा राजवीर का? क्या राजवीर अब यहाँ पर गिरने वाला है अपने मुंह के बल या फिर नहीं? क्या होगा खास, क्या दिखाया जाएगा? बताते हैं सारी बातें इस वीडियो के अंदर। उसे बताने से पहले आप सब जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आने वाले एपिसोड में सबसे पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा जिसमें करण अब यहाँ पर राखी से लड़ते हुए नजर आने वाला है। राखी यहाँ पर चाहती है कि प्रीता अब घर के अंदर नहीं आए, और उसके साथ साथ निधि पूरी कोशिश कर रही है कि वो राखी को भड़का दे, लेकिन यहाँ पर करण मानने वाला नहीं है। करण यहाँ पर राखी को पूरी तरह से समझाता है कि यहाँ पर मुझे प्रीता इस घर के अंदर चाहिए। राखी यहाँ पर चाहती है कि आखिर में प्रीता चली जाए सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे निधि ने भड़काया है, और करण को यहाँ पर पूरी तरह से सेफ देखना चाहती है राखी। लेकिन आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पर पूरी तरह से मिलने वाला है झटका एक सबसे तगड़ा, जिसमें करण लड़ते हुए नजर आएगा राखी से और निधि के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि उसका पासा उल्टा पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर करण जीतेगा और प्रीता को यहाँ पर मिल जाएगी एक सबसे बड़ी जीत, जो कि वो यहाँ पर जानती भी नहीं है कि आखिर में लूथरा परिवार में उसका रुकना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वही दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में अब शुरू होता है एक और बेहतरीन खेल जिसमें आपको देखने को यहाँ पर अब राजवीर भी प्रीता को समझाने की कोशिश करता है। सबसे पहले यहाँ पर प्रीता को पूरी तरह से बातें समझ में नहीं आती कि आखिर में राजवीर इतना मना क्यों कर रहा है, लेकिन प्रीता समझना भी नहीं चाहती। वो चाहती है कि आखिर में जो दादी है उनका इलाज हो और वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। करण को पूरी तरह से यहाँ पर दूर रखने के लिए प्रीता से यहाँ पर राजवीर समझाता है कि आखिर में ये परिवार आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन क्यों ठीक नहीं है राजवीर इसका जवाब नहीं दे पाता, इसी वजह से यहाँ पर राजवीर भी हार जाता है और प्रीता यहाँ पर लगातार अब लूथरा हाउस में आना जाना उसका लगा रहेगा। और एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पर प्रीता का रेगुलर यहाँ पर लूथरा हाउस में रहना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वो क्यों, उसके बारे में आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका है जिसको आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसमें एक बार फिर से राजवीर अब यहाँ पर करण के बिजनेस पर तगड़ा वार करने वाला है। इस बार का वार उसके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर पूरी तरह से बाकी सारे यहाँ पर जो डील होने वाली है वो ग्रैब कर ली तो राजवीर यहाँ पर जीत जाएगा और करण को लगेगा सबसे तगड़ा झटका बिजनेस में। लेकिन करण भी यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करके बैठा है कि आखिर में वो राजवीर को यहाँ पर सुधारेगा और उसके मन में जो भी यहाँ पर बातें हैं, जो भी ख्यालात हैं, वो सारे उसके दिमाग से निकालेगा। लेकिन क्या यहाँ पर उससे डील होने से पहले ही करण यहाँ पर कन्फर्म कर पाएगा राजवीर को या फिर नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। वैसे आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ में। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी पता चल सके कि कितनी ज्यादा बेहतरीन और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम देते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू।